छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई। पहली किस्त मिलने के बाद से प्रदेश भर की महिलाओं में खुशी और उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। व्यापारियों को भी उम्मीद है कि इससे व्यापार में वृद्धि होगी। बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। वंदन योजना को लेकर प्रदेश भर में महिलाओं को 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहली किस्त जारी कर दी गई है और अब प्रति माह महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेगा। और इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तमाम जो किराने का सामान है, राशन का सामान है, तेल का सामान है, उस दुकान में मौजूद है। व्यापारियों को क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि गई है। सीधे व्यापारियों से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है मार्केट में कोई बदलाव आएगा, उनकी खरीदी बिक्री में कोई फर्क नजर आता है या नहीं आ रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, किस्त जारी हुई है, कुछ खरीदारी आप लोगों के, क्या बिक्री बढ़ी है मार्केट में? देखिए अभी तो लागू हुआ है ये, अब आने वाले समय में देखिए कुछ थोड़ा सा उनकी जरूरत की चीजों के जो उनको आवश्यकता होगी वो लोग खरीदी करेंगे। जहां तक के जरूरत की चीजों में राशन आता है तो हो सकता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो समय के अनुसार। आपकी दुकान में तमाम किराना सामान है, सबसे ज्यादा महिलाओं द्वारा किन प्रकार की चीजों की ज्यादातर बिक्री होती है और आप उम्मीद कर रहे हैं कौन सी वो चीजें जो ज्यादा बिक सकती है? मोटा मोटा अनाज ही है जो है, गेहूं, चावल, शक्कर, दालें हैं, इन चीजों की बिक्री जो है वो कुछ हद तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ये हर घर की जरूरतें हैं ये, इस वजह से। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है वो जारी हो गई। अब ऐसे में जो अनाज का काम करते हैं, जो व्यापारी साथी, जो जरूरत की चीजें, उन्हें ये उम्मीद जरूर है कि इस बार उनका जो मार्केट है कहीं ना कहीं उछाल आ सकता है, जो राशन की सामान है वो कहीं ना कहीं उसकी बिक्री में बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सन, NH24/7 रायपुर।